चलिए तो वो मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो हमारी आज की मस्ती भरी रेसिपी है शाही पनीर। तो आज हम लोग बनाएंगे शाही पनीर। तो हमारी ये 300 ग्राम पनीर है, तो इसको अब हम बनाने चलेंगे और आपको भी बताएंगे कि हमने कैसे बनाए। चलिए तो हमने ये पनीर लिया है। पनीर में डालने के लिए हमने ये गरम मसाले, काजू और हरी मिर्च है, टमाटर, प्याज, लहसुन की कलियां और थोड़ी सी अदरक। तो चलिए हम आज शाही पनीर बनाते हैं। तो चलिए तो गैस को पहले ऑन कर लेते हैं और उसके बाद एक पैन। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा बटर और थोड़ी सी कुकिंग ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बटर हमारा जले नहीं। अब अच्छी तरह से इसको हम इसी में डाल देंगे हम पनीर। पनीर को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का ही फ्राई करनी है। चारों तरफ से पनीर हमारी अच्छे से फ्राई हो गया। चलिए तो हमारा पनीर हल्का फ्राई हो गया है। अब गैस को बंद करते हैं और सारे पनीर को इस गुनगुने दूध में डाल देंगे ताकि हमारा पनीर सॉफ्ट हो जाए। अगर दूध नहीं है तो आप गुनगुना पानी में भी डालेंगे। इससे क्या होता है कि पनीर अगर टाइट हो, ताजे नहीं हैं, पैकेट वाले हैं, तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे। चलिए तो फिर चलते हैं। चलिए तो हमने पैन बैठा दिया है, इसमें डालेंगे ऑयल और थोड़ी सी बटर। इसको गरम होने देंगे, डालेंगे गरम मसाला, उसके बाद अदरक, लहसुन, हरी मिर्च। इसको थोड़ा सा सौते कर देंगे मीडियम आंच पे, ज़्यादा तेज आंच पे नहीं करनी है हमको। फिर काजू, प्याज और टमाटर। अब इसको हम ढक के थोड़ा सा मुलायम होने देंगे ताकि हमारा ये पेस्ट अच्छा से तैयार हो। चलिए तो अपना मसाला देख ले। ये हमारी मसाले हो गए हैं। अब गैस को बंद करते हैं और ठंडा होने के लिए रख। जब तक लिए पूरी अच्छी तरह से ठंडी ना हो जाए तब तक लिए हम इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे। तो ये हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। चलिए तो ये हमारा ठंडा हो गया। अब इसको अच्छी तरह से हम पीस लेंगे। एकदम बारीक पीसनी है चटनी के सामान। चलिए तो हमारी ये अच्छी तरह से बैटर पिस गई है। अब चलते हैं, इसको हम छान लेते हैं। बस ये कटोरा छाननी है, हम इसी से छानेंगे। हमारे पास यही छानने के लिए है। तो सभी बैटर को हम इसमें डाल देंगे आराम से। चलिए तो एक कलछे की सहायता से हम इसको सारे बैटर को छान लेते हैं। जार में कुछ पानी डाल के डालेंगे, अच्छी तरह से छन जाएंगे। चलिए तो हमारा ये अच्छी तरह से इसको छान लिए हैं। अब इसको
इसको अलग हटा देंगे। देखिए तो हमारा बैटर रेडी हो गया है, चलते हैं। चलिए तो हमारा पैन रेडी है, इसमें डालेंगे ऑयल, कोई भी आप कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। उसके बाद तेल को गर्म नहीं होने देंगे, उसमें डाल देंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक छोटी चम्मच, एक चम्मच डालिए या एक छोटी चम्मच डालिए। उसके बाद डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हल्की से धनिया पाउडर, गोलकी पाउडर, फिर जीरा पाउडर, अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। मसाले को जलने नहीं देने हैं, कम आंच पे हम पकाएंगे। मसाले को हम जलने नहीं देंगे। चलिए तो हम इसमें ये सारे बैटर को डाल देंगे और अच्छी तरह से पकाएंगे। एकदम रेस्टोरेंट के जैसा या आप होटल में खाते उसके जैसा टेस्ट, स्वाद, कलर सभी आएंगे। अब सभी मसालों को ढक देंगे और आराम से पकाएंगे। चलिए तो हमारी ग्रेवी ये गाढ़ी हो गई। जब तक ये गाढ़ी ना हो तब तक ये आप इसको पका दीजिए, उसके बाद ही पनीर डालिए। अच्छे से ये ग्रेवी पक भी जाएगी और गाढ़ी भी हो जाएगी। तो चलिए हमारी ग्रेवी अच्छे से गाढ़ी हो गई है और ये हमने जो पनीर और दूध में डाले थे वो हम एक साथ डालेंगे। चलिए तो हमने पनीर में इसलिए दूध डाले थे, अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो बहुत अच्छा रहेगा कि दूध में डालें। अगर पानी में डालते हैं गुनगुने पानी में तो आपको ऊपर से क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें हमें क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। देखिए तो हमारा इसका कलर बहुत खूबसूरत होगा। स्वाद अनुसार अब नमक डालेंगे ताकि नमक भी अच्छे से पक जाए। चलिए तो हमारी शाही पनीर आज की आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत मतलब रेस्टोरेंट जैसा स्वाद आएगा। चलिए तो 2 से 3 मिनट हम इसको ढक के पका लेते हैं। चलिए तो हम अपने शाही पनीर को देखते हैं कि हमारी शाही पनीर कैसी बनी है। तो चलिए वाह देखिए तो हमारी शाही पनीर रेडी हो गई। तो गैस को अब बंद करते हैं। चलिए तो अब इसको धनिया पत्ती से गार्निश कर देते हैं। आपके पास मलाई हो तो मलाई के साथ, हमने दूध डाल दिए हैं मलाई की जगह, तो आप किसी तरह से सर्व कर सकते हैं। तो आप बताइए हमारी ये शाही पनीर कैसी लगी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले रेसिपी में।